नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और मैं आज आया हूं जियोनी के लॉन्च पे, जहां पे कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन्स को पेश किया है, यानी जियोनी S11 लाइट और F205। और आपको मैं बता दूं कि मेरे हाथ में जो ये स्मार्टफोन है इसका नाम है S11 लाइट। फ़ोन देखने में बेहद ही शानदार लग रहा है, बैक से कर्व्ड है और आपको एक अच्छी ग्रिप देगा, आपके हाथ से आसानी से स्लिप नहीं होगा। साथ साथ जो ये आप देखेंगे बैक पैनल, ये हालांकि प्लास्टिक का है लेकिन कंपनी ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है और ये आपको काफ़ी हद तक ग्लास का लगेगा और आपको अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। इसके साथ साथ आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, डुअल रियर कैमरा है इसमें, यहाँ पर दिया है सिम ट्रे, हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसमें और इसमें आपको मिलेगा 5.7 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। इसके इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है क्वालकॉम MSM8937 चिपसेट, यानी स्नैपड्रैगन 430 बोलते हैं इसको हम। 4GB की रैम है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर है और 3030mAh की बैटरी है। स्पेसिफिकेशन काफ़ी दमदार हैं। इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड नोगा दिया है, जिस पर कंपनी के खुद के UI अमीगो की लेयरिंग है। अब बात आती है इसके कैमरा टेस्टिंग की, तो रेयर कैमरा शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको बोके इफेक्ट भी मिलेगा, बोके इफेक्ट का कुछ हम खास टेस्ट कर नहीं पाएंगे पर मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा दूं। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है बोके इफेक्ट की। हालांकि मेरा हाथ बहुत शेक हो रहा था लेकिन अगर आप देखेंगे तो कटआउट अच्छा ही हुआ है। हालांकि ये सिर्फ अभी फर्स्ट इंप्रेशन है इसलिए अभी कुछ कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे, बैक लाइट, नाइट मोड, टेस्ट रिकग्निशन, टाइम लैप्स, पिक नोट, ट्रांसलेशन, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी दी गई है, प्रो मोड है और ग्रुप सेल्फी है। साथ ही साथ इसके अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, इसकी हाईएस्ट वीडियो क्वालिटी है 1080p। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और मैं ज़रा इसको फोटो मोड पे ले आता हूँ। शटर स्पीड फास्ट है, फ्रंट कैमरा अच्छा लग रहा है अभी फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से, बोके इफेक्ट भी दिया है इसमें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी तेज़ रोशनी है, उसके बावजूद भी मेरा चेहरा अंडर शैडो नहीं हो रहा। फ्रंट में स्क्रीन फ्लैश भी दी है। ओवरऑल फ़ोन के कैमरास फिलहाल अभी फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से डिसेंट लग रहे हैं, स्पेक्स भी अच्छे हैं लेकिन प्राइसिंग से हम थोड़ा सा निराश हैं क्योंकि कीमत है इसकी 13,999 रुपये। हालांकि आपको बता दूं कि ऑफलाइन मार्केट के लिए फ़ोन लॉन्च किया गया है और उस प्राइस रेंज में अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन स्टोर्स में आपको बहुत ही कम फोन मिलते हैं जो स्पेसिफिकेशन पर आते हैं। पर एनीवे ये तो मैं आपको रिव्यू के बाद ही बता पाऊंगा कि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस फ़ोन का रिव्यू देखना चाहते हैं और क्या आप इस फ़ोन को किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन करके भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ अगर आपको इस फोन की कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेंशन कीजिए और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।